अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। तो आज हमने बनाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार क्रिस्पी डोनट्स। लेकिन ये डोनट्स बिल्कुल भी नहीं है चिकन के, बल्कि ये हैं पोटैटो डोनट्स। तो जी देखें क्या खूबसूरत इसका टेक्सचर है, कितने ये क्रिस्पी हैं। यू कैन लिसन द साउंड, फिंगर से ही उसका कितना ज़बरदस्त साउंड आ रहा है। तो जी चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ, ताकि आप भी बनाइए मज़ेदार क्रिस्पी डोनट्स और अपने बच्चों को बना के दें लंच बॉक्स में, क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके हैं और मदर्स को बिल्कुल समझ नहीं आती कि उनको लंच में क्या दें। तो ये चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। तो क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए हमें जिन जिन अज्जा की ज़रूरत है वो है मदरजा दैन। सबसे पहले यहाँ पर हमने आलू लेके, तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू लेके हमने उसको खूब अच्छे से बॉयल करके मैश कर लिया है। प्याज 1 मीडियम साइज़ की और धनिया 1 मुट्ठी, इसको लेके हमने चॉप कर लिया है और हम इसको शामिल कर देंगे आलूओं में। फेद मिर्च 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्ब ज़ायका, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चावल का आटा 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, अगर अंडा काफ़ी बड़े साइज़ के हो तो आप आधा शामिल करें, वरना बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स, जो इसको खूब क्रिस्पी भी बनाएगा। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथों की मदद से खूब अच्छे से मिक्स कर लें, और अगर आपको अपना बैटर ज़रा सा भी लिक्विड लगे, वो डोनट्स की शेप में प्रॉपर नहीं आएगा, तो आप इसमें और भी ब्रेड क्रम्स शामिल कर सकते हैं। तो जी मिक्सचर को हमने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है सबसे पहले साफ़ सुथरे हाथ, और उसके ऊपर आपने लगा लेना है थोड़ा सा ऑयल खूब अच्छे से। मैं आपको हाथों से ही डोनट्स बनाना सिखाऊंगी बगैर किसी सांचे के, ताकि आप भी अपने घर में बहुत ही ज़्यादा ईजी। पहले सबसे पहले एक ऐसा बॉल बना लें, खूब अच्छे से आपने एक राउंड सा बॉल तैयार करना है, खूब राउंड करना है हमने उसे। राउंड करने के बाद इसको ऐसे प्रेस करें, इसकी साइड्स को खूब अच्छे से ऐसे बनाएं, क्रैक्स आ जाएं उनको आपने खूब अच्छे से ऐसे दबा लेना है। जब ऐसी शेप तैयार हो जाए तो आपने अपनी फिंगर की मदद से इसके अंदर एक यहाँ पे होल बनाना है। दोनों तरफ से हमने खूब अच्छे से होल बनाना है, और देखिए जी हमारी कितनी खूबसूरत डोनट की शेप रेडी है। तो जी इस डोनट को सबसे पहले आपने करना है डिप एग में, और फिर इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की, पहले साइड्स और फिर दरमियान से। तो जी इसके साथ ही देखें हमारा कितना ज़बरदस्त रोल डोनट रेडी है फ्राइंग के लिए। तो इसी तरह हम तमाम डोनट्स को शेप दे लेंगे। तो जी यही हम देखें, हमने अपने तमाम डोनट्स को शेप दे दी और कितने ज़बरदस्त से डोनट्स तैयार हुए। तो हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ, लेकिन फ्राइंग की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, और ये बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, और हम करते हैं डोनट्स को फ्राई। तो जी ऑयल गर्म हो चुका है, अब हमें जितने डोनट्स आपको रिक्वायर हो उतने आप फ्राई कर लें, अदरवाइज़ आप इनको फ्रीज़र के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के लिए। तो चलिए हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है मीडियम हीट पे। हम इसे बार बार टर्न नहीं करेंगे, एक दफ़ा ही 2 से 3 मिनट हम एक साइड से कुक होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। किस कदर उसका देखने में टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, और कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। ये डोनट्स तकरीबन रेडी हो चुके हैं, हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो जी ये जो पोटैटो डोनट्स हमने रेडी किए हैं, ये है बेस्ट आइटम आपके बच्चे के लंच बॉक्स के लिए। तो जी आप लंच बॉक्स में दें जितना आपका बच्चा खाता है, 1 या 2, साथ में एक अदद फोर्क और साथ में एक अदद केचप का सैशे। तो इसके साथ ही हमारा ज़बरदस्त लंच रेडी है, जो कि हेल्दी भी है। बाहर की चीज़ों की बजाय अपने बच्चे को खूब हेल्दी लंच बना के दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।